YD News। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तिब्बत को लेकर है, अमेरिकी कांग्रेस में हांगकांग और तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने का बिल पेश किया गया है। इस बिल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद स्कॉट पेरी ने पेश किया है। उन्होंने इस बिल में तिब्बत को आजाद मुल्क का दर्जा देने के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत करने की बात कही है। उन्होंने हांगकांग को भी स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने का बिल पेश किया है। ये दोनों ही बिल अमेरिकी कांग्रेस की हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स को सौंप दिए गए हैं। हांगकांग और तिब्बत की आजादी का रास्ता साफ करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अमेरिका की तरफ से ये कदम उठाया गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या रुख अख्तियार करेंगे, ये हमारे संवाददाता मनीष झा बताएंगे। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या ये माना जाए कि ये सब कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहमति से हुआ है? अब उनका रुख क्या होगा आने वाले वक्त में, कब ये पता चलेगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि चीन को लेकर वो तमाम मसले उठाए जाएं जिन मसलों से चीन पर दबाव बनाया जा सके, जिन मसलों को लेकर दुनिया में ये मैसेज जाए कि देखिए अमेरिका किस तरह से चीन को पनिश कर रहा है। और इसी के संबंध में उनकी पार्टी के एक सांसद के द्वारा ये बिल पेश किया गया है अमेरिकी कांग्रेस में, जिसमें इस बात की मांग की गई है कि हांगकांग तिब्बत को आजाद मुल्क का दर्जा दिया जाए। इससे पहले आपको याद होगा कि ताइवान को लेकर जिस तरीके से अमेरिकी समर्थन खड़ा हुआ, तो जिस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, और उसके बाद फिर हांगकांग और तिब्बत को लेकर इस तरह के एक्शन से निश्चित तौर पर जो टकराहट चीन और अमेरिका के बीच है वो काफी बढ़ने वाला है। और इसमें फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब दुनिया के बाकी मुल्कों को भी ये दबाव होगा कि आप विकल्प चुनिए कि आप अमेरिका के साथ हैं या चीन के साथ हैं। तो ये तनाव बढ़ता जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते भी हैं ऐसे समय में जब अगले कुछ महीनों के बाद उनको चुनाव फेस करना है, 1 लाख से अधिक लोग उनके यहाँ मारे जा चुके हैं, ऐसे में उनको ये दिखाना है कि देखिए इन सब का जिम्मेदार चीन है और हम चीन को नहीं छोड़ने वाले हैं, चीन को हर मुश्किल तरीके से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मैसेज देने के लिए ये सब कवायद की जा रही है। चलिए, शुक्रिया मनीष आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।